नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। देश पर कोरोना का साया, पहला वर्षगांठ का जश्न नहीं मनाएगी मोदी सरकार। मोदी सरकार ने वापस लिया लॉकडाउन में पूरी तनख्वाह देने का निर्देश। कार्तिक नायरा की दोस्ती को हुए 4 साल, मोहसिन खान ने शेयर की स्पेशल पोस्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंटरनेट सेवा रोकी गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। दिल्ली में जिन फर्मों का नाम ए से एल तक के अक्षर से शुरू होता है, वो सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगी, और जिन अक्षरों का नाम एम से लेकर जेड तक शुरू होता है, वो सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुली रहेंगी। वायुसेना प्रमुख भदौरिया बोले कि पीओके में आतंकी कैंपों पर कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद। लद्दाख में भारत और चीन के बीच फिर से तनाव, गालवान नदी के पास दोनों देशों ने फौज की तैनाती बढ़ाई। तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में तब्दील हुआ, 20 मई की शाम बंगाल की तटों से 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा। गुजरात में लगातार 5वीं बार प्रवासी मजदूरों का बवाल, पुलिस पर पथराव। नोएडा में कोरोना के मामलों में वृद्धि, 24 घंटे में सामने आए 31 नए मामले। केंद्र सरकार ने अपने 50% कनिष्ठ कर्मचारियों को कार्यालय में आने का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश में बदमाशों ने एटीएम को बम से उड़ाया, नकदी ले उड़े। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 31 मई के बाद टूरिस्टों का स्वागत करेंगे। चिदंबरम का मोदी सरकार से आग्रह, 10 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की करें घोषणा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रेलवे की ओर से कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियां ही चलेंगी। अम्फान तूफान 1999 के बाद दूसरी बार महातूफान का सामना करेगा भारत, सेनाएं अलर्ट। भारत और चीन से भारत में मृत्यु दर कम, उम्मीदें बरकरार। भारत में मिला कावासाकी बीमारी का पहला मामला, चेन्नई के 8 वर्षीय बच्चे में मिला लक्षण। पाकिस्तान को तालिबान का झटका, कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मामला। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट रूम में काम करना मुश्किल है। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि मनुष्य को प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने की जरूरत है। अम्फान तूफान के खतरे के चलते ओडिशा ने 11 लाख लोगों को निकालना शुरू किया है। WHO में भारत ने भी उठाई चीन में कोरोना के जन की जांच की मांग।